वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर से स्टार्ट होता है व्लॉग हमारा और यहाँ पे बन रही है ग्वार की सब्जी जो मुझे जरा भी नहीं पसंद है पर सॉरी गिरीश को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि सुबह जो है राजमा बनाए थे तो वो है अभी भी, पर क्या है कि उनको ज्यादा पसंद है तो ये सब्जी वैसे भी अगर दो दिन तक पड़ी रहेगी तो बिगड़ जाएगी, फिर मुझे सुनना पड़ेगा। तो उसी कारण से आज दो दो सब्जियां बनी है पहली बार मेरे घर पे, वरना एक ही सब्जी मैं बनाती हूँ पूरे दिन में। दूसरी कोई बनानी होती है ना तो पोटैटो ही ज्यादातर बनते हैं क्योंकि वो बच्चों के फेवरेट होते हैं, जो सब्जी वो नहीं खाते उसका ऑप्शन में पोटैटो होता है। बहुत ही ज्यादा पसंद है पोटैटो, तो किस किस को पोटैटो बहुत ज्यादा पसंद है, एक बैंगन पोटैटो दोनों मुझे बहुत पसंद है। एनीवे यहाँ पे जो है बन रही है हमारी ग्वार की बहुत ही यमी सी सब्जी जो गिरीश को बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने बहुत ज़्यादा गार्लिक डाला है और अनियन डाला है। गार्लिक इसीलिए क्योंकि एक दो लोगों ने बोला है कि बीपी के लिए जो है वो गार्लिक बहुत अच्छा है, तो गार्लिक जितना खाए उतना अच्छा, तो इसीलिए गार्लिक मैंने ज़्यादा डाला है। तो राइस और ये मुझे लगता है अभी मैं दाल भी बना ही दूँ ताकि पूरा मील जो है वो बन जाए, क्योंकि सिर्फ राजमा ही खाए थे सुबह गिरीश ने, वो जो चावल दे खाया था उसके साथ। लेट्स सी क्या करते हैं। हमारे एक व्यूअर से आज के ब्लॉग में कॉमेंट की है राकेश पंडिया, भूमि आप कितने दिन से नहीं ना है, माथे का जो सिंदूर है ना वो कब का ऐसा। गिरीश ने कल ही मुझे बोला कि तुम्हारा सिंदूर क्यों नहीं जा रहा, मैं नहाती हूँ ये नहाई हूँ। द थिंग इज कि रात को नाइट ड्रेस पहनती हूँ और सुबह फिर से ना एक ही पहनती हूँ क्योंकि बारिश है ना बाहर, तो इसीलिए घर पे ही रहते हैं, तो मैं आधे दिन तक तो मैं नहाने जाती नहीं हूँ, पहले तो काम सारे खत्म करके उसके बाद जाती हूँ, तो नाइट ड्रेस होता है वो आधे दिन तो वही निकल जाता है। और दूसरी बात, मैं जो ये सिंदूर है ना, ये जो मेकअप रिमूवर का पैड आता है ना उसी से निकलता है, तो ऐसे ही पानी से या मैं फेस पे वो जो क्या बोलते हैं सोप नहीं लगाती, तो इसीलिए रह रहा है। क्या है यार, कोई नया बिना तीन चार दिन रह सकता है क्या, मैं नहीं रहती। आप भी बिलीव कर रहे हो उस पर? हाँ, तो नहीं नहीं जाओ नहीं अबे गिरीश, कुछ भी मत बोलिए। अभी तो बोले कि मैं नहीं हूँ ऐसा, तो सब लोग यही बोलेंगे कि मैं, तुम बोली ना कि आधे दिन तक मैं नहीं आती, अभी कल सारे लोग बोलेंगे आधे दिन तक, मतलब कि कुछ काम होता है क्लीनिंग वगैरह का तब भी उसी दिन ऐसा होता है कि लाइक रह जाता है, कि ऐसा होता है कि 11 बजे 12 बजे नाना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि दोपहर तक तो खाना पकाना और सारे काम वगैरह चलते रहते हैं, तो उस बीच में ऐसा होता है कि ये सब कुछ स्मेल कपड़ों में आना आ जाए, तो दूसरी उसके बाद मैं ना आऊंगी। नहीं यार कोई बात नहीं, नहीं मुझे एक्सप्लेन करने की वैसे जरूरत है नहीं। कल क्या बोलेंगे पता, तूने आधे दिन का बोला नहीं ना के वो काम रहते हैं, बोलेंगे कि लेडीज को उठ के पहले नहा के फिर किचन में जाना चाहिए, तथास्तु। हाँ ऐसा ही होना चाहिए, अभी कल बहुत सारा आएगी ऐसे ही कमेंट की तेरी। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, वैसा जरूरी नहीं है कि तीन दिन नहीं नहाते ऐसा। माय हाउस माय रूल, मेरी सोच है यार, मुझे ऐसा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे जिंदगी जीती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में दो बार भगवान के सामने मत्था टेक लेती हूँ ना, वो बहुत अच्छी चीज है मेरे लिए, नहाने के बाद सुबह और रात को, दोपहर हो या रात हो, बस आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो वो सब कुछ बातें छोड़ दीजिए गिरीश, चाय पीजिए, आपके टी शर्ट के मैचिंग की है। और दो कमेंट कल वो भी आई थी कि आप गुजराती में फाइनल कर दिया है क्या बोलने के लिए, तो वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमारी जो भाषा है ना वो निकल जाती है कभी कभी, क्योंकि गिरीश को बहुत प्रेम है गुजराती से, तो इसीलिए मुझे भी वैसे है ही। अच्छा, पर क्या बोलते हैं, हमें वीडियो के लिए हिंदी बोलना पड़ेगा गिरीश अभी ज्यादा, सॉरी अबाउट दैट। ओके ठीक है, ओके ठीक है, चलो अभी डिनर कर लेते हैं। आदि को ना वो कुछ होमवर्क दिया हुआ है तो वो कर रहा है, उसको टमी में पेन था स्कूल से आया तो वो बोल रहा था कि हेडेक हो रहा था, तो मैंने बोला सो जाना। ओके, तो आज तो उसकी क्लास भी मिस होगी। नहीं, रिशेड्यूल करने को बोला। रिशेड्यूल नहीं होगा उसका, वीडियो तो अवेलेबल होगा, वो ये रिपीट कर लेगा। अच्छा ओके ओके, उसमें वो नहीं होगा। अच्छा चलो, तो वो सब कुछ है अभी तो फिलहाल, डिनर कर लेते हैं, बाकी सारी बातें बाद में। ओ नो, डेडी के बाद अभी शिवांश का टाइम आ गया क्या, सर दर्द का इन्फेक्शन हेडेक नु ना बेटा, डेडी को तो ना बीपी का प्रॉब्लम है, इसीलिए आता है, बट तुझे क्यों हेडेक हो रहा है पता नहीं।
डिहाइड्रेट हो गया होगा क्योंकि पूरा दिन पानी नहीं पिया तूने। बच्चों को ना बोतल पूरी भर के देते हैं, सब कुछ देते हैं, पर पानी पीने में प्रॉब्लम होता है, मुझे लगता है उसी वजह से हुआ होगा। थोड़ी देर रेस्ट कर ले, सो जा, 5 बजे है, हाफ एन आवर सो जा। ऑलरेडी सो के उठा है, क्या कर सकते हैं बताइए। अभी तो इतना मैं पैरासिटामोल अभी तो देती नहीं हूँ शिवांश को, तो बहुत ज्यादा हेडेक क्या बुखार आ जाता ना तभी देती हूँ, तो देना नहीं है, वैसे ठीक हो जाएगा। सो 20 डेज इनटू हैलोवीन, नॉट 20, 30 डेज, इट्स जस्ट द 1st ऑफ ऑक्टोबर टुडे। આપણે હેલોવીન જ સેલિબ્રેટ કરવાના, આ વખતે દિવાળી કરવાની છે, સેમ ડે છે દિવાળી અને એ બધું, ઓકે? યસ, ઓલરેડી વી ગોટ દિવાળી ડેકોરેશન એવરીવેર. નો, તો આ ગયે હે હમ લોગ કહાં પે, દેખ લીજીએ, આઈફોન લેને કે લિયે નહીં પર દેખને કે લિયે, આદી ઓનલી, ઓકે? દેખ લીજીએ, યે હે આઈફોન કે ફીચર્સ સારે કે સારે યહાં પે. સો ઓર मेरा, ओ ये कलर ही आने वाला है ना गिरीश, मेरा ये खुल भी नहीं। तो मुझे और बच्चों को ना यहाँ पे आईफोन में इंटरेस्ट आ रहा है, और यहाँ पे गिरीश को इंटरेस्ट किस में आ रहा है गिरीश? सैमसंग में कैसी है क्लियरिटी वगैरह? 100 मेगापिक्सल कैमरा, कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, मस्त है। आ बधु एकदम सील पैक छे ने, आ तमने लेवो तो ने गिरीश? तो आ ने आ ये सीरीज नहीं, तो फोल्ड अपनी फोल्ड आमा छे ज नहीं, फोल्ड आमा फ्लिप केवाय। OMG, look at this phone. मैं पहली बार, I know, but आवी स्क्रीन में फर्स्ट टाइम जो है, जो नहीं देख लीजिए, वाव, it looks something different है ना? Samsung वाला बनाया है वो? वाला Samsung सुनो, iPhone वाला? ना, iPhone ना जरूरत नहीं है वो बनाने। ये मेगापिक्सल बता रखा है। I know. Double. गैलेक्सी समथिंग गोल्ड का कलर जैसा है, और वो पिंक है ना, तो यही कलर है आई थिंक, पिंक ने वो सब नहीं आते, पर्पल नहीं लिया मैंने कभी भी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। अभी सुबह के वहाँ 8 बज गए हैं, चाय वाय पी ली गई है, अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, यू नो शिव गॉट सिक, इज इट? ही हैड मेडिसिन, दो स्कूप्स, अजय जो ये सारू थी जास, ओके, हाउ आर यू? गुड, रेडी फॉर स्कूल? हाँ, डिड यू हैड योर ब्रेकफास्ट? ना, ना, चलो ब्रेकफास्ट खाइए। मॉर्निंग गिरीश, गुड मॉर्निंग, केम छो बधा मजामा? गिरीश को ना दिवाली आ गई है, अभी नए नए कपड़े पहन रहे है, रोज रोज कल लाल सनेड़ो पहना था, आज फिर देख लीजिए क्या पहना आज, पर आज ये अच्छा लगा, कल से ये बहुत अच्छा है, क्या बात है, I like it. तो अभी आपको हर तरह हर जगह पे ना मेरे कपड़े ही दिखाई देंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेदर ऐसा ही रहेगा, आज पूरा घर क्लीन करना है मुझे, पहले खाना हो जाए, सैंडविचेस वगैरह, बस ऐसे मेरा मन हो जाएगा ना तब मैं वो चीज करती हूँ। आज सुबह सुबह देख लीजिए मैं नहा धोकर रेडी होकर ब्लॉग बना रही हूँ, और ये भी निकाल दिया मैंने मेकअप रिमूवर से, हाँ नहा लिया मैंने, हाँ से तो निकली। चलो गिरीश के लिए खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे, एकदम प्लेन, हाँ एकदम प्लेन है, तो वो अच्छे से खा ले। और आज क्या बनाना है लंच में? बनाना है आज बैंगन का भरता, जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, सॉल्ट ही नहीं डालूंगी आपका। तो ये प्लान है, अभी धीमे धीमे स्टार्ट कर देते हैं दिन का काम काम से। पहली बार जी गिरीश ने मेरे इतने ज्यादा वखान कर लिया है ना, मैं गदगद हो गई, गिरीश क्यों हो गए गदगद, क्यों मेरे वखान हुए? पहले से मुझे स्टोरी बता दीजिए, आप कौन सा पॉडकास्ट देख रहे थे? कल मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, वो जिसका पॉडकास्ट था वो इंडिया के सबसे बड़े जो सर्जन है लीवर के एक्सपर्ट है, उसका पॉडकास्ट था डॉक्टर का, तो उसने बोला कि आपका लीवर फैटी लीवर है, तो उससे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्टोन
और ब्लॉकेजेस, ये सब की जड़ है आपका फैटी लिवर। और फैटी लिवर को आपको रिवर्ट करना है तो नॉर्मल करना है कि क्लीन करना है, तो उसके लिए आपको खाना है क्या 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 क्या, 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 क्या? ब्रोकोली, आई लव इट, स्पिनच, आई लव इट, गार्लिक, आई लव इट टू, कॉलीफ्लावर, आई लव इट, और आपके जो कच्चे फूड है ना उसमें रंग बिरंगी सब कुछ मिला है, कोई येलो वाला खा लिया कलर वाला, कोई रेड वाला खा लिया, ग्रीन वाला, मिक्स पेपर हम बनाते हैं ना, लेकिन ज्यादा जो सुगरी वाले है ना, सुगर जिसमें थोड़ा स्वीट पन होता है वो कम खाना है। अच्छा, बस यही खाओ, नॉर्मल हो जाएगा। जैसे आपका लीवर नॉर्मल हुआ ना, आपका सब कुछ चला जाएगा। देखिए, बोला था मैं सारी सब्जियां बनाती हूँ, गिरीश को जो जो इसमें से बोले ना उसमें से कुछ भी पसंद नहीं है। लाइक स्पिनच तो मैं खाता हूँ। स्पिनच तो आप किस में खाते हो? वो भी थे नहीं, नहीं, ऐसे सब्जी भी मैं खा रहता हूँ, पालक की तो सब्जी खाते हो। मुझे सिर्फ ब्रोकोली पसंद नहीं है और कॉलीफ्लावर पसंद है, गार्लिक भी मुझे पसंद है, कॉलीफ्लावर भी पसंद है। अभी सब कुछ खाना है। क्यों? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, वो सब कुछ मैं कच्चा खा सकती हूँ, पूरी की पूरी ब्रोकली कच्ची खा सकती हूँ, मैं खाती भी हूँ वैसे, वो उसका वो है भी नहीं, तो वो सब कुछ खाना चाहिए, हम खाएंगे तो बच्चे खाएंगे। शिवांश क्या बोलता है कि कैरेट, टमाटो और ब्रोकली वो सब कुछ कच्चे खाने की चीजें है, वो पका के खाने की चीजें नहीं है, तो किसी में भी डालो ना तो वो उसको नहीं अच्छी लगती, तो वो बात भी उसकी सही है, जितना कच्चा खाए ना उतना अच्छा है हमारे लिए। जो ज्यादा स्वीट है फ्रूट्स वो कम खाने हैं। तो अभी से स्टार्ट कर देते हैं ब्रोकली खाने के लिए, उबाल देती हूँ, खा लीजिए। ब्रोकली और स्पिनच, क्या आज आपको वही खाना है? खिचड़ी और ग्रीन टी भी बोला है। ग्रीन टी भी, ग्रीन टी भी है, ग्रीन टी तो इस बार ना मैं वही लाई हूँ, नहीं दूसरा भी है, ड्रिंक वाइज में दो है, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी तो आई कांट हैव इट, सुबह सुबह शिवांश को दे दिया है ये एक्टिविटी करने के लिए, ये पूरा का पूरा बन जाएगा मिरर, तो दिखाऊंगी, क्योंकि अभी शिवांश की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो घर पे ही है, तो ये सारे के सारे जो है ना वो लगाने हैं, बहुत ही मजा आता है गिरीश ये करने में, पता है? हाँ, वो तो है। तो देखते हैं कितना कर पाता है वो आज। मजा आ रहा तो मैं भी बीज ऊपर ले थी। हाँ शिवांश ने देखती धर्म ना थे का शिव कहीं नहीं एंजॉय कर, चलो जो हमें निकले वॉक करवाने पर छल्ला मारे रे ने फ्रेंड एनो बूम पाड़ी के तू आओ बेसवा हां तो सुबह सुबह हिंदी गुजराती मिक्स हो जाता है गिरीश, क्या करे, वो तो है क्योंकि वो गुजराती तो हमारी मदर टंग है तो वो तो रहने वाली है। हां सम टाइम आ जाएगा, सॉरी पहले से बता देती हूं, वो तो आएगी बीच बीच में, चाय तो नहीं पीनी, आपको भी नहीं पीनी? नहीं मुझे कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी देर के लिए मिलके निकल जाते हैं वो करने के लिए। तो जहां पे गए थे वो काजल मेरी फ्रेंड है वहां पे, तो उसने भी थेपला वगैरह बनाया था, पर गिरीश ने इतना संयम किया ना, नहीं खाया गिरीश, आई एम प्राउड ऑफ यू टुडे। चाय थोड़ी सी पी ली पर उड़ गई एकदम, हाँ थेपला नहीं खाया, दैट्स गुड। तो अभी धीमे धीमे रूटीन कैच अप कर लेंगे। तो कोई कथा जी है वो बोल रहे थे कि याद करना, तो याद कर लिया है आपको वीडियो में, और यहाँ पे शिवान सुबह से ये कर रहा है, इतना हुआ है, उसने बोला कि सारा फिनिश हो जाना फिर वापस से दिखा देना, तो मैं वापस से दिखा दूंगी, पर अभी देख लीजिए बहुत मेहनत कर रहा है बच्चा, अभी कितने 2:15 बज गए है, अभी भी ये कर ही रहा है, और आज है क्या, गांधी जी का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे गांधी जी। और बस अभी ये काम काज कर ले, शिव को भी कल ही याद आया था है ना गांधी बापू का बर्थडे है आज। तो बस अभी वीडियो का एंड यहीं पे कर दे रहे हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए अच्छी अच्छी सी, और क्या क्या और देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर बताना, बाय, टेक केयर।